26 नवंबर 2020 से किसान जो है देश में धरने पर हैं, और बॉर्डर पे जो है 26 नवंबर 2020 से जब किसान धरने पर बैठे तो उन्हीं किसानों के साथ जनपद अमेठी के किसान जो हैं जय किसान आंदोलन की अगुवाई में नवीन मंडी स्थल जायस में जो है धरने पर बैठे हुए हैं, और पिछले एक साल 15 दिन से जो है उनका धरना यहीं पे चल रहा है। और मैं हूँ मंडी समिति जायस के गेट के ठीक सामने, जहाँ पे किसानों का आज धरना जो है वो समाप्त होने वाला है, और आज यहाँ पे एक कार्यक्रम है, तो हम आपको लेके आए हैं उस कार्यक्रम में जहाँ पे आज जो है किसानों की मांगें पूरी कर ली गई हैं, और उसी के एवज में ये लोग जो है अब अपना धरना जो है यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये है जनपद अमेठी का मंडी समिति जायस के ठीक सामने जो पक्का धरना लगा हुआ था जय किसान आंदोलन का, तो आज जो है किसान जो है घर जाएंगे, तो उसी के उपलक्ष में यहाँ पे विजय दिवस का कार्यक्रम है। तो आइए देखिए एक ये रिपोर्ट। भारत के इतिहास में आंदोलनों का बड़ा महत्व रहा है, और भारत की आज़ादी के आंदोलनों के बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद में भी देश में अनेक आंदोलन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसमें लोहिया का आंदोलन हो या बाबा टिकैत का आंदोलन हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हो, और उन आंदोलनों के बाद में जो है एक किसान आंदोलन है जो पिछले एक सालों से चला आ रहा था। और उस आंदोलन की खास बात ये रही है कि जैसे बाकी आंदोलनों से ताकत होती है उन आंदोलनों में, जिससे सरकार बनती हैं बिगड़ती हैं, और लोगों की जो है मांगें होती हैं जो सरकार नहीं सुनती है, तो लोग आंदोलन के लिए विवश होते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए निरंतर आंदोलन करते हैं और सरकार झुकती है। तो उसी तरह से ये आंदोलन भी रहा है किसान आंदोलन, पिछले 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के तीनों बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, और उन्हीं किसानों के साथ पे यहाँ पे जनपद अमेठी में किसान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए हैं मंडी समिति के ठीक सामने, और यहाँ पे जो है आज जो है इनके कार्यक्रम का समापन है, और उसी समापन कार्यक्रम में मैं हूँ, और आइए आपको मिलाते हैं उन किसानों से और किसान नेताओं से जो पिछले एक साल 15 दिन से यहाँ पे धरना कर रहे थे मंडी समिति गेट के सामने जनपद अमेठी में। तो आइए हम बात करते हैं इन किसानों से और किसान नेताओं से, और जानेंगे उनके इस संघर्ष के बारे में। तो मिलिए इन किसान नेताओं से। जय किसान, जय किसान। आप किसी श्रृंखला में ये देखिए किसान विजय दिवस है, और किसानों का जो है पिछले एक सालों से जो धरने पर बैठे हुए थे उन किसानों का यहाँ के एक बुजुर्ग समाज सेवी हैं दयाशंकर पांडे जी, वो सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जीवटता दिखाई और सरकार को झुकने पे मजबूर किया, और एक महिला किसान हैं जो उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये महिला किसान हैं जो पिछले एक सालों से अधिक समय से यहाँ पे निरंतर धरना कर रही हैं। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। एमएसपी नहीं तो कानून वही, एमएसपी नहीं तो लड़ाई वही, एमएसपी नहीं तो लड़ाई वही, एमएसपी नहीं तो तूफान रहेगा। हम घड़ी में एक और निवेदन है, हमारे वकील साहब हैं अशोक कुमार सिंह,
सन 1995 से जब यहाँ पर फल डिपो बन रहा था तब से संघर्ष करते रहे। उसके बावजूद उसके बाद हमको मुकदमा दायर करना पड़ा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी पर। उसमें इन्होंने वकालत की 16 साल तक शुल्क सेवा करके हमको गाँव वालों को कामयाबी दिलाई और रास्ता बरकरार रास्ता बंद कर रहे थे। कोई अफसर नहीं काम कर रहा था, कोई नेता नहीं आता था, नेता सब भटकते रहते थे, परंतु तो हमारे सिख सहयोगी बने हैं और इनके 16 साल की मेहनत से हम वहाँ पर रास्ता खुलवा सके और आज खुला पीढ़ी दर पीढ़ी खुला रहेगा। ये किसानों के असली सेवक हैं और इन्होंने सेवा किया। मैं अपने नाती पोता करी नाती पोता ये वकील साहब हैं और जिन्होंने किसानों के संघर्षों को साथ दिया, कानूनी लड़ाई लड़ी और एक लड़ाई लड़ी इन्होंने RGPTI जो है यहाँ बहादुरपुर विकास खंड में बना हुआ है और जिसके बीचों बीच से किसानों का एक चक्रोड जाता था और RGPTI द्वारा वो चक्रोड जो है बंद कर दिया गया था। तो 16 साल जो है इन वकील साहब ने लड़ाई लड़ी इन दादा की, दादा ने केस कोर्ट में केस किया हुआ था और उस कोर्ट केस को इन्होंने लड़ा और 16 साल इन्होंने फीस नहीं ली है और इन किसानों के संघर्षों को उन्होंने सराहा और उनका साथ दिया। तो इसलिए आज इन अशोक कुमार सेन जी का भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। तो आज जो है किसानों का विजय उत्सव दिवस है, किसानों का विजय दिवस है और किसानों को सम्मानित किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे पिछले एक साल कुछ दिनों से जो 14 दिन से यहाँ पे धरने में बैठे हुए किसान हैं उनसे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला कमांडर जी से जो अनवरत यहाँ पे धरना दे रहे थे कृषि कानूनों के खिलाफ। तो आज जो है विजय उत्सव दिवस है दादा, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमने 379 दिन धरना चलाया जी जी अपने किसान सैनिकों से जी, उनके मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी, जो हमको तन मन धन से हमको जी चलवाया धरना जी। तो हम जिला कमांडर हैं जी, तो अपने हम जो कर्तव्य को हमने पूरा किया जी। हमको उत्साहित है मैं कि और चलता साल दो साल चार साल जी, तो जब तक मैं जीवित रहता जी, जब तक चाहता मैं 74 साल का मेरी उम्र है जी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, पुराना आदमी है, तब स्कूलें नहीं रहे पहले जी, माँ बाप हमारे गरीब थे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए हम ज्यादा बात ना करके जी, हम अपने जो हमारे संगठन के किसान नेता हैं जी जी, हम उनको हमारा जो है उनको जाता है जी जी, तो उनसे बात करिए वो बताने का। तो हमारे साथ है जय किसान आंदोलन के संजय कुमार जी। संजय कुमार जी ये बताइए कि अमेठी के इतिहास में ये आंदोलन दर्ज हो गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला आंदोलन अमेठी के इतिहास में ये आपका किसान आंदोलन रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो देश के इतिहास में है जी, अमेठी के इतिहास में साथ में दर्ज जी जी। तो 13 महीने से जी 26 नवंबर 2020 से जी यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रण किया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर पर जब तक धरना चलाएगा जी, हम लगातार उसको अमेठी से सपोर्ट करते रहेंगे जी, और जितनी भी संयुक्त मोर्चा की कॉल आई जी, हमने उन सब कॉल पे अपना एक्शन लिया जी, वो चाहे टोल का हो, चाहे रेल का हो या भारत बंदी का जी, और यहाँ पर वो सफल भी रहा। पहली भारत बंदी 8 दिसंबर की जो थी जी, अमेठी जायस मंडी में 0 खरीद हुई जी, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई और जनता की अपेक्षाओं पे उसको खरा उतरना चाहिए था जी, उसने 700 किसानों की शहादत तक उसके कान पर जू नहीं देंगे जी, और शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव ना होता जी, और उसमें उसके खिलाफत की हम घोषणा ना करते जी, तो वो कृषि कानून भी वापस ना लेती। अभी भी उसकी नियत में खोट है कि प्रधानमंत्री की घोषणा करने के बाद भी भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने ये बयान किया कि हम इसको दूसरे रूप में लाएंगे जी। इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को जो भी निर्णय लेगा, फिलहाल अभी ये धरना बॉर्डर से स्थगित किया गया है जी, और 15 जनवरी के बाद इस पे जो निर्णय होगा जी, उस पे हम लोग आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है जी कि 2022 में हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, अमेठी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जी लोगों से ये निवेदन करेंगे किसानों की हत्यारी जी
किसानों के दुश्मन जी, किसान विरोधी जी, गरीब और मजदूर विरोधी इस भाजपा को इस देश से अपदस्थ करना है, तभी हम लोग सुकून से रह पाएंगे। अन्यथा ये कारपोरेट, इस सरकार का वही हाल है जैसे आरक्षित सीट पर ग्राम प्रधान का हाल होता है, जैसे महिला आरक्षित सीट हो जाए जी, या अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो जाए, तो ना तो उस महिला को पता होता है, ना उस अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान को पता होता है कि मैं प्रधान हूँ। उनका जिनने पैसा लगाया होता है, जो उसके स्पॉन्सर होते हैं जी, सारा काम उन्हीं के इशारे पर केवल उस प्रधान को अंगूठा लगा के करना होता है। वही हाल भारत सरकार का है कि उनके जो स्पॉन्सर है बनिया उद्योगपति जी, उनके लिए जो आदेश हो जाता है, उनका जो आदेश हो जाता है, प्रधानमंत्री उसी को रात को 8 बजे को आके घोषणा कर देता है। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे देशबंदी हो, चाहे तालाबंदी हो, या फिर कृषि कानून जी। जी जी, तो हमारे साथ हैं एडवोकेट जी, वकील साहब हैं, और वकील साहब जो है किसानों के वकील हैं, और एक मामला RGPTI का था जिसमें उनको किसानों को अपने खेत जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वकील साहब ने जो है वो मुकदमा लड़ा और 16 साल मुकदमे की एक रुपए भी फीस नहीं ली है। तो आइए हम बात करते हैं उस मुकदमे के बारे में। तो सर बताइए कि वो क्या मुकदमा था वो जी। दरअसल 2004 जी में मैं वकील बना था जी, रजिस्टर्ड हुआ था जी जी। इसके पहले मैं किसान संगठन के साथ किसानों के लिए संघर्ष कर रहा था जी 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 जी। जब मैं वकालत में आया जी, तो हमको ये लगा कि हम इसकी लड़ाई कानून से भी लड़ सकते हैं जी जी जी। उसी समय एक मामला हमारे जो है बाबा जी जी दयाशंकर पांडे जी, उन्होंने बताया कि मुखतिया ग्राम का चेक बैसना की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसको RGPTI ने बंद कर रखा है। इसकी लड़ाई भी हम लोग पहले भी लड़ रहे हैं जी जी जी। तो उस मुकदमे को हमने शुरू किया और अंतुत गत्ता जी में जो है हमको रास्ता मिला जी जी। और वो हमको लगता है कि अब हमेशा के लिए जो है हो गया है, उसे तमाम किसानों को लाभ होगा। और हमारे बड़े भाई संजय जी हैं, इनका भी आशीर्वाद मिलता रहा है। तो जब ये भी लड़ाई लड़े हैं उसमें भी जब हमको समय मिला जी तो जी, मैं इनके साथ रहा। आगे भी हमारी ये सोच है जी जी जी, कि अगर किसानों के साथ जी ये नौकरशाह या सरकार कोई अन्याय करती है जी, तो मैं किसानों की जो सामूहिक लड़ाई है उसका मुकदमा फ्री में लड़ूंगा जी। इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ जी जी जी। बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता और वकील साहब, जिनका आज यहाँ पे सम्मान हुआ। तो आज से जो है जो धरना था वो यहाँ से हट रहा है और ये लोग आज जाएंगे अपने घर पे। तो इन सबको शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का भी स्वर है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि किसान जो पिछले 1 सालों से अपना घर छोड़े बैठे हुए थे, तो आज उनको घर जाने का मौका मिलेगा। तो हमारी शुभकामनाएँ इन सबके साथ है। जय हिंद, जय भारत और जय किसान।